मुजफ्फरनगर जनपद में किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बसेड़ा गांव की किसान सेवा सहकारी समिति पर धरना प्रदर्शन किया। भाकियों के जिला महासचिव धीरज त्यागी ने कहा कि बैंक तथा सहकारी समितियों में किसानों को ऋण वसूली के नाम पर परेशान किया जा रहा है। यदि कोई किसान समय पर ऋण नहीं चुका पाता तो उस ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी कर दी जाती है, यही हाल बैंकों का है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाए, परंतु मेन मालिक कई वर्षों तक भुगतान नहीं करते, इस पर किसानों की तरह ब्याज लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बैंकों एवं सोसाइटी ने किसानों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया तो तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से राजपाल सिंह, सहाब सिंह, रविंद्र चेयरमैन, धर्मेंद्र राठी, मोहम्मद शहजाद, इदरीस आदि संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। चीनी मिलों का हमारा करोड़ों करोड़ों रुपया है, जो कहीं बोर्ड पर नहीं लिखा जाता, कहीं अखबार में नहीं आता, उनकी कोई निलंबन नहीं होती, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। किसान पे 1,00,000 रुपये, 1,25,00,000 रुपये जो कर्जा है उस पर 27-27%, 17-17%, 12-12% ब्याज हमारे पैसे को, जो 14 दिन में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के भी आदेश हैं, जो हमें मिलना था 14-14 महीने मिल रहा है, उस पर कोई ब्याज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, और इन पर सब पेनल्टी और ब्याज, किसान बर्बादी कगार पर चल रहा है और बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसी की कुरक जमीन बता रहे हम जमीन कुरक करेंगे, तो इन चीज़ों को लेकर आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। तो क्या आश्वासन दिया प्रबंधक साहब ने? प्रबंधक साहब यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, तो आश्वासन तो ये क्या देंगे। बैंक मैनेजर को फ़ोन करा, वो कह रहा है हमारे पास टाइम नहीं बात करने का भी, मिलने का भी टाइम नहीं है। सबका सरदार यहाँ का बैंक मैनेजर है, जो इन कर्मचारियों को भी परेशान कर रहा है और कास्करों को परेशान कर रहा है, और ये उत्पीड़न बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा।